एक पति ने अपनी पत्नी के साथ जो किया उससे दुनिया हैरान है। इस शख्स ने पहले तो अपनी पत्नी के साथ खूबसूरत बटरफ्लाई में वैली में समय बिताया, तस्वीरें ली और फिर उसके साथ ऐसा धोखा किया जो उसने कभी भी सोचा नहीं था। आरोपी पति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को 1000 फीट की ऊंचाई से धक्का दे दिया, जिसके बाद पेट में पड़ रहे बच्चे सहित महिला की मौत हो गई। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसने बीमा के पैसों के लिए ऐसा किया था। आरोपी के पति की पहचान 40 साल के हाकान आयसल के तौर पर हुई है, जिसे 32 साल की अपनी पत्नी सेमेरा आयसल और अजन्मे बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना तुर्की के मुगला में स्थित बटरफ्लाई वैली की है, जहाँ ये लोग छुट्टियाँ मनाने गए थे। हकान की पत्नी 7 महीने से गर्भवती थी। ये घटना जून 2018 की है, लेकिन अब अभिव्यक्ताओं को बतावों पर यह फिर से चर्चा में आ गई है। धक्का दिए जाने के बाद सेमेरा और उसके अजन्मे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि हकान ने पत्नी के साथ पहले पहाड़ी पर खड़े होकर तस्वीरें ली और फिर उसकी हत्या कर दी। अभियुक्ताओं ने कहना यह भी है कि मामला दुर्घटना का नहीं, ये हत्या का मामला है, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही पत्नी के साथ एक बीमा कराया था। उसने बीमा में खुद को अकेला नॉमिनी भी बनाया था, जिसके तहत और सेमेरा की किसी भी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसे 40,000 लीरा मिलेगी। यानी कि अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो 40,000 लीरा बराबर 4,17,000 कुछ रुपए होते हैं। जाकर हकान ने पत्नी को मारने के लिए 3 घंटे तक पहाड़ी पर समय बिताया। वो ये सुनिश्चित कर लेना चाहता था कि कोई ऐसा करते हुए उसे देख ना ले और कोई उसे शक भी न कर पाए, मेरा काम भी हो जाए, वो ये सोच रहा था। आईसीआर इसमें सोचने वाली बात यह है कि थोड़े से रुपए के लिए कोई आदमी किस हद तक गिर सकता है ना। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग वीडियो, ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली वीडियोज देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब पर चैनल जीनियस फैक्ट टेक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और लाइक करना ना भूले। इसी के साथ चलते हैं, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।